हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स। जैसा कि हम सबसे पहले देखेंगे भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत, इम्पोर्टेंट स्कीम्स बाय गवर्नमेंट, एंड कब वो शुरुआत हुई वो देखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, डीडी किसान चैनल 26 मई 2015, स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015, डिजिटल इंडिया 1 जुलाई 2015, स्टेप अप इंडिया 5 अप्रैल 2016। मैं आपको योजना और डेट्स बता रहा हूँ कि कब इसकी शुरुआत हुई। जैसे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई। इस तरीके से आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018, स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020। तो ये योजनाएँ याद करनी है आपको, पढ़ लेनी है, मैंने आपको दिखा दी हैं और इसे रिमेम्बर कर लीजिए। अब हम बात करते हैं कुछ और करंट अफेयर्स की। जैसे किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पुरस्कार 2021 को अपने नाम किया है? तो उनका नाम है, जिन्होंने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पुरस्कार 2021 अपने नाम किया है, उनका नाम है इन्वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चीन ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी के लिए नया उपग्रह लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है फेंग यून 3E। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी पर कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? तो वो 5 लाख रुपए का उनके ऊपर जुर्माना लगाया है। क्वेश्चन नंबर 4। बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो 58 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट विस्तार से पहले कौन सा नया मंत्रालय बनाया है? तो वो सहकारिता मंत्रालय बनाया है, जिसके मंत्री जो है वो अमित शाह बने हैं। क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 का आयोजन 20-28 नवंबर के बीच किस राज्य में किया जाएगा? तो वो गोवा राज्य में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 को मनाया जाएगा, जो 20-28 नवंबर के बीच में मनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7। केंद्र सरकार ने मछली पालन किसानों के लिए कौन सा मोबाइल ऐप पेश किया है? तो वो मत्स्य सेतु नाम की मोबाइल ऐप पेश की है केंद्र सरकार ने मछली पालन किसानों के लिए। आपको मत्स्य सेतु कैसे याद रहेगी? जैसे कि अभी कोरोना सेतु करके आई थी, ऐसे ही मत्स्य सेतु। तो जो भी गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू जो ऐप लॉन्च होती हैं, मैक्सिमम उनका नाम सेतु से होता है। तो ऑप्शन में अगर आप चूज़ करें तो सेतु देखें, फिर उसके बाद मत्स्य यानी मछली होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। किस मंत्रालय ने राजस्थान में चौथे बाघ अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को मंजूरी दी है? तो उनका नाम है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने क्या करा है, चौथे बाघ अभ्यारण्य रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को मंजूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 9। तृणमूल कांग्रेस सरकार ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विधान परिषद बनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो अनुच्छेद 169 के तहत क्या करा है, अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद बनाने की प्रस्ताव पारित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किस देश की विदेश विभाग द्वारा व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 जारी की गई है? तो अमेरिका देश जो है उसने, और इस देश के विदेश विभाग द्वारा व्यक्तियों की तस्करी रिपोर्ट 2021 जारी की है अमेरिका। ये बिल्कुल करंट अफेयर जो है, कंप्लीट करंट अफेयर है। तो हम बात करते हैं दोबारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 में होने वाले AFC महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो वो भारत में किया जाएगा। कौन सा? AFC महिला एशियाई कप 2022
महिला एशियाई कप 2022 का आयोजन भारत में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संस्था है जो भारत में क्लासरूम के लिए सैटेलाइट टीवी को प्रदान करेगा? तो वो इसरो है। इसरो जो है वो भारत में क्लासरूम के लिए सैटेलाइट टीवी को प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह 27 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वो हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वीरभद्र सिंह, उनका 27 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी पीयूष गोयल की जगह किसको दी है? तो उनका नाम है अश्वनी वैष्णव, जो अब नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में रेलवे मंत्रालय बन गए हैं, अश्वनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत के आदित्य मित्तल कितने वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 14 वर्ष की उम्र में बने हैं भारत के आदित्य मित्तल, 14 वर्ष की उम्र में चेस ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं की मंजूरी दी है? तो वो उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, उन्होंने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत के किस राज्य से GI प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप निर्यात की गई है? तो गुजरात राज्य से भालिया गेहूं की खेप निर्यात की गई है और इसमें प्रोटीन मैक्सिमम होता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। कहाँ की गई है? केन्या और श्रीलंका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, किस देश ने एकाधिकार विरोध मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है? तो चीन देश है जिसने एकाधिकार विरोध मामलों में बड़ी इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस देश में विश्व के सबसे ऊंचे सैंड कैसल का निर्माण किया गया है? ओके, सैंड कैसल मतलब रेत महल, तो आंसर है डेनमार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, उद्योगपति NS श्रीनिवास मूर्ति को किस राज्य के लिए वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया है? वियतनाम का, और वो किस राज्य के हैं? तो वो कर्नाटक। उद्योगपति NS श्रीनिवास मूर्ति, तो ऐसे ही पूछा जा सकता है, कर्नाटक के ऐसे कौन इंसान हैं जिन्हें राज्य के वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया है? तो आप बोलेंगे NS श्रीनिवास मूर्ति। और यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया गया है कि भाई कि NS श्रीनिवास मूर्ति जो उद्योगपति हैं वो किस राज्य के हैं जिन्हें वियतनाम का मानद महावाणिज्य दूत नियुक्त किया गया है? तो आप आंसर देंगे कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत यूरोपीय संघ के देशों ने यात्रियों के लिए किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दी है? तो कोविशील्ड जो कोरोना वैक्सीन है उसे 15 यूरोपीय संघ के देशों ने यात्रियों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन को मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर PK वारियर का किस राज्य में 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये इन्फॉर्मेशन भी दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्वेश्चन में जो है इन्फॉर्मेशन भी दी जा रही है कि ये एक आयुर्वेदिक चिकित्सक थे डॉक्टर, जिनका नाम था डॉक्टर PK वारियर, ठीक है, और उनका कौन सी एज में निधन हो गया? 100 वर्ष की एज में निधन हो गया। तो ये इन्फॉर्मेशन दे दी, फिर उसके बाद पूछ लेते हैं कि भाई कौन से राज्य के थे वो? तो आप बोलेंगे केरल राज्य के थे। अब क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, केरल राज्य के 100 वर्ष में निधन हुए कौन थे वो जिनका, जो आयुर्वेदिक चिकित्सक थे? तो आप लिखेंगे डॉक्टर PK वारियर। ऐसे ही पूछा जा सकता है कि डॉक्टर PK वारियर का निधन कौन सी एज में हुआ, कितनी एज के बाद हुआ? तो आप 100 वर्ष लिखेंगे, 100 ईयर, ठीक है। और ऐसे भी लिखा जाता है PK वारियर कौन थे, तो वो प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक थे। तो हर एक क्वेश्चन को भी 3-4 तरीक़ों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4, किसने जनसंख्या नीति 2021-30 की घोषणा की है, 2021-2030 की घोषणा की है, तो वो उत्तर प्रदेश ने जनसंख्या नीति 2021-2030 की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 5, किसने नौसेना की संपत्ति के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है, तो भारतीय नौसेना ने संपत्ति के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है। यानी कि कोई नौसेना है, उसकी कोई भी संपत्ति है, उसके 3 किलोमीटर दूरी तक कोई भी ड्रोन नहीं उड़ाएगा, फॉर अ सिक्योरिटी पर्पस ऐसा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 3,323 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया है, तो उड़ीसा सरकार को जल जीवन मिशन के तहत 3,323 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किसने नागपुर में देश के पहले LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो नितिन गडकरी जो हैं उन्होंने, ये कौन से हैं भाई, राज्य मंत्री वो हैं, सड़क परिवहन मंत्री, तो नितिन गडकरी ने नागपुर में देश के पहले LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है, LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन किया है नितिन गडकरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, किस शहर में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल 60 मीटर गहरा जीप डाइव पुल खोला गया है, तो वो दुबई के अंदर पर्यटकों के लिए ऐसा किया गया है, 60 मीटर गहरा जीप डाइव पुल, जिसका नाम है जीप डाइव पुल, खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 12 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 12 जून को इंटरनेशनल मलाला डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल मलाला डे 12 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट में कितने लोग भूख से मर जाते हैं, तो रिपोर्ट के अनुसार 11 लोग हर एक मिनट में मर जाते हैं, और रिपोर्ट का नाम क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब थोड़ी कुछ और जानकारी देख लेते हैं, जैसे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र के मुंबई में हेडक्वार्टर है RBI बैंक का। इस्टेब्लिश हुई 1 अप्रैल 1935 और 1934 एक्ट में। फर्स्ट गवर्नर जो हैं उनका नाम क्या है, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर इनका नाम क्या है, चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, और गवर्नर इस वक्त कौन से हैं, शक्तिकांत दास। तो इतना आपको RBI के लिए याद रखना है। अब नेक्स्ट बात करें कुछ और करंट अफेयर की, तो किस वर्ष सुरक्षा परिषद की सदस्यता 11 से बढ़ाकर 15 कर दी गई है, सुरक्षा परिषद की सदस्यता जो है वो 11 से 15 कर दी गई है, और वो किस वर्ष की गई है, अनुच्छेद 23 के तहत। तो इसी क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें मिलती हैं कि 11 से 15 कौन से अनुच्छेद के तहत कर दी गई है, तो आप लिखेंगे 23 अनुच्छेद के तहत। किस वर्ष सुरक्षा परिषद की सदस्यता बढ़ाई गई है, 11 से 15 की गई है, तो वो 1965 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक सामान्य मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की कुल संख्या होती है, कितनी लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, तो RBI की बात हो रही है यहाँ पे, रेड ब्लड कॉर्पल्स RBC। तो अब हम बात करें तो ये है 30 ट्रिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी के घूमने की गति बढ़ जाती है, यानी कि पृथ्वी का जो घूमना है उसकी गति बढ़ जाए, उसकी स्पीड बढ़ जाए, तो शरीर का वजन बढ़ेगा या घटेगा, बताइए। तो शरीर का जो वजन होगा वो कम हो जाएगा अगर पृथ्वी की जो गति है घूमने की वो बढ़ा दी जाए, और पृथ्वी की गति अगर घटा दी जाए तो जो वजन है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के पोखरण में भारत का पहला परमाणु विस्फोट किस वर्ष हुआ, ठीक है, राजस्थान का एक पोखरण प्लेस है, जगह है जहां पर भारत का पहला परमाणु विस्फोट हुआ, वो किस वर्ष हुआ, तो वो है 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, तो उसकी लंबाई होती है 22 गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 साल का युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था, 100 साल का युद्ध लड़ा गया था, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच 100 साल तक का युद्ध लड़ा गया था,
नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च किस पर स्थित है? तो वो है कल्पक्कम और चेन्नई। तो क्वेश्चन क्या है, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एटॉमिक रिसर्च कहाँ पर स्थित है, ये क्वेश्चन आना चाहिए। तो वो स्थित है चेन्नई में। चेन्नई में कहाँ पर? कल्पक्कम जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोगे किस वर्ष पहुँचे? तो वो 1953 में। इससे हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोगे 1953 में पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर था कामिनी रिएक्टर। भारत का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी रिएक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन, परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने किस वर्ष शांति के लिए एकजुट संकल्प को अपनाया? तो संयुक्त राष्ट्रीय महासभा ने किस वर्ष शांति के लिए एकजुट संकल्प को अपनाया? तो वो 1950 में शांति के एकजुट के लिए संकल्प को अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतवर्ष में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। 1945 में भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी थी INS शल्की। भारत की पहली स्वदेश निर्मित पनडुब्बी थी INS शल्की। ओके, और अब आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य भारत कब बना? तो वो 1945 में बना। और संयुक्त राष्ट्र ने शांति का संकल्प कब अपनाया? अभी पहले ही पिछली बारी अभी मैंने क्वेश्चन पूछा है, उसका जवाब है 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो वो तारापुर में महाराष्ट्र के अंदर। तो भारत का पहला फास्ट ब्रीडर न्यूट्रॉन रिएक्टर का नाम क्या था, सोचिए अपने दिमाग में। इसका जवाब है कामिनी। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे किस वर्ष पहुँचे, ये पिछला क्वेश्चन ही है, मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, तो आपका जवाब क्या होगा? तो इसका आंसर है 1953 में। इट्स अ रिवीजन टाइम। क्वेश्चन है, रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग हर एक मिनट में मर जाते हैं? तो इसका जवाब क्या है, सोचिए। इसका जवाब है 11 लोग। रिपोर्ट के अनुसार हर मिनट में 11 लोग भूख से मर जाते हैं। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन, 12 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है इंटरनेशनल मलाला डे। 12 जून को इंटरनेशनल मलाला डे मनाया जाता है। किस शहर में पर्यटकों के लिए विश्व का सबसे गहरा पुल 60 मीटर गहरा चालू कर दिया है, सोचिए। इसका आंसर है दुबई, और इस पुल का नाम है जीप डाइव पुल। किसने नागपुर में देश के पहले LNG सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका जवाब सोचिए। मैं आपको ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, आपके दिमाग में दोबारा से रीगेन हो, फिर आप वो कभी ना भूल पाएँ, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। तो इसका जवाब है नितिन गडकरी हैं जिन्होंने नागपुर में देश के पहले LNG सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है, नितिन गडकरी। केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 3,323 करोड़ रुपये का अनुदान आवंटित किया है? तो इसका जवाब सोचिए, अभी मैंने पढ़ा था आपके लिए। तो इसका जवाब है उड़ीसा। आपको ऐसे याद रखना है, आंसर छुपा लेना है, क्वेश्चन पढ़ने हैं और अपने दिमाग में आंसर देना है, और उसके बाद फिर आंसर को देखना है। तो ऐसी चीज़ें जल्दी याद होती हैं। नेक्स्ट, इस तरीके से किसने नौसेना की संपत्ति के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है? तो भारतीय नौसेना ने। किसने जनसंख्या नीति 2021-2030 की घोषणा की है? तो इसका जवाब सोचिए, इसका जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 2021-2023 की जनसंख्या नीति को की घोषणा की है। तो ऐसे आपको चीज़ें याद रखनी है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर छुपा लेना है अपने हाथों से, और फिर उसके बाद
अपने दिमाग से आंसर निकालना है और आंसर को फिर मैच करना है कि एक्चुअल में जो निकला वो सही है गलत है। जैसे मैंने वीडियो में बीच में आरबीआई के बारे में कुछ बताया था, तो बताओ आरबीआई के बारे में क्या क्या बताया था, आरबीआई की स्थापना को गवर्नर पहले कौन थे, अब कौन गवर्नर हैं, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी आपको। तो मैं आपको रिवाइज भी करवा देता हूँ अगर आपके दिमाग में ना आ रही हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। स्टैब्लिश 1 अप्रैल 1935-1934 एक्ट के थ्रू। फर्स्ट गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ, फर्स्ट इंडियन गवर्नर चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख और गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं। अब हम पढ़ेंगे फैक्ट, जो फैक्ट हैं, हम क्वेश्चन वाइज नहीं पढ़ेंगे, अब की बार हम पढ़ेंगे फैक्ट। जैसे भारत और भूटान ने पर्यावरण के क्षेत्र में दो देशों के बीच सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंध आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के नए आयाम खोलेगा। ठीक है, ये आयाम कहाँ कहाँ पे खोलेगा? द्विपक्षीय सहयोग के नए आयाम खोलेगा। नेक्स्ट है विश्व शरणार्थी दिवस। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को दुनिया भर में शरणार्थियों के साहस और लचीलेपन का सम्मान और सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। 20 जून को संयुक्त राष्ट्र ने संघर्ष या उत्पीड़न ने से बचने के लिए अपने घरों और देशों से भागने के लिए मजबूर लोगों की ताकत और साहस का जश्न मनाने के लिए इस दिन को नामित किया है। किस दिन को? 20 जून को, शरणार्थी दिवस। नेक्स्ट, ग्लोबल स्पोर्ट्स ब्रांड पुमा ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह के साथ साझेदारी बढ़ा दी है। जो युवराज सिंह हैं, सिंह एक दशक से अधिक समय से ब्रांड से जुड़े हुए हैं। वह अब भारत में प्यूमा मोटर स्पोर्ट्स के चेहरे के रूप में एक नए अवतार में नज़र आएंगे, जो तेज कारों और खेल से प्रेरित फैशन के लिए अपने जुनून को प्रदर्शित करेगा। तो पुमा में जुड़े हुए हैं बहुत समय से, इनका नाम है युवराज सिंह। तो ऐसे आपको पूछ लिया जा सकता है एग्ज़ाम में कि युवराज सिंह किस ब्रांड से जुड़े हुए हैं, सबसे लंबे जो जुड़े हुए हैं, और वो अब आगे क्या करने वाले हैं। नेक्स्ट की बात करें, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित और बेस्ट सेलिंग लेखक अमिताभ घोष की नई किताब द जॉयफुल कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस इस साल अक्टूबर में रिलीज़ होने के लिए तैयार है। जिसका नाम क्या है? इन्होंने अमिताभ घोष हैं जो रिलीज़ कर रहे हैं, वो राइटर हैं, ऑथर हैं। बुक का नाम है द जॉयफुल कर्स पैरेबल्स ऑफ अ प्लेनेट इन क्राइसिस। नेक्स्ट ओडिशा सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब कांस्टेबल के पदों पर आवेदन करने की अनुमति दे दी है। तो ओडिशा सरकार है जिसने ट्रांसजेंडर समुदाय को राज्य पुलिस की कांस्टेबल और सब कांस्टेबल की पोस्ट के लिए आवेदन करने की मंजूरी और अनुमति दे दी है। तो अब उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। गवर्नर की बात की जाए तो गणेशी लाल। सिमिलीपल टाइगर रिजर्व बैंक रिजर्व, तो हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो जिसका नाम है सिमिलीपल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, ये भी उड़ीसा में है। भिटारकनिका मैंग्रोव भी उड़ीसा में है। नलावन बर्ड सेंचुरी भी उड़ीसा में है। तो इतना आपको उड़ीसा के लिए याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत ने प्रबंध विकास संस्थान IMD द्वारा संकलित एक वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 43rd यानी कि 43वां स्थान बनाए रखा, जिसने इस वर्ष दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर COVID-19 के प्रभाव की जांच की। तो अब 64 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड का नेतृत्व किया गया था, जबकि स्वीडन दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, पिछले साल 6ठे स्थान पर था। हम पढ़ रहे हैं फैक्ट्स जो याद रखने ज़रूरी हैं। नेक्स्ट,
भारत और पाकिस्तान के 4 महीने बाद नियंत्रण की लाइन LOC के साथ युद्ध विराम समझौता का पालन करने का फैसला किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अगले सप्ताह दुशांबे में अपने पाकिस्तान समकक्ष मोड यूसुफ के रूप में एक ही कमरे में होने की संभावना है। वे तजाकिस्तान की राजधानी में संघाई सहयोग संगठन SCO के NSA की बैठक में भाग लेंगे। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, जहां पे SCO की फुल फॉर्म है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑफिशियल लैंग्वेज संघाई कोऑपरेशन की बात की है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो चाइनीज़ एंड रशियन है। फाउंडेड 15 जून 2001 में संघाई कोऑपरेशन फाउंड हुआ था। तो ये हो गया संघाई कोऑपरेशन के बारे में। कुछ चीज़ें आपको फैक्ट में मिलती रहेंगी जो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और वो आपको काम आने वाली हैं। तो सिर्फ आपको सुनना है और सुनने के बाद दोबारा से एक बार दो बार आपको वीडियो देखनी है। बस आपको देखनी है, सुननी है ध्यान से और कुछ एफर्ट नहीं करना, आपको ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो इसके फाउंडर जो थे तो वो चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तो ये देश हैं जो फाउंडर्स हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के। सेक्रेटरी जनरल की बात की जाए तो वह हैं व्लादिमीर नोरव। हेडक्वार्टर्स की बात की जाए तो चाइना में बीजिंग के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की वो चाइनीज़ और रशियन है, जो फाउंडेड हुई 15 जून 2001 को। तो इतना आपको संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट, भारत तोलन में 2017 विश्व चैम्पियनशिप भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई किया है। तो 49 किलोग्राम के वर्ग में मीराबाई चानू ने 2017 के अंदर जो ओलंपिक विश्व चैम्पियनशिप जो है 2017 विश्व चैम्पियनशिप उसमें टोक्यो ओलंपिक में खेलों के लिए क्वालीफाई कर लिया है। मणिपुर की 26 वर्षीय ने अपने विश्व रैंकिंग अंकों के आधार पर क्वालीफाई किया। तो अंतर्राष्ट्रीय भारतोला महासंघ, तो ये अंतर्राष्ट्रीय भारतोला महासंघ में 2017 विश्व चैम्पियनशिप भारत की मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वर्ग की वर्ग में टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई किया है और 26 वर्षीय मणिपुर के अंदर उन्होंने भी अपने विश्व रैंकिंग अंकों के आधार पर क्वालीफाई किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय भारतोला महासंघ, इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो है बुदापेस्ट। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन बुदापेस्ट और हंगरी, तो दो जगहों पर इसका हेडक्वार्टर है। यह ओलंपिक भारत तोलन के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय साक्षी निकाय है। हम पढ़ रहे हैं फैक्ट बाय फैक्ट, यानी कि हम फैक्ट्स को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट, सभी उम्मीदों को पार करते हुए डी कुशेक ने सनसनीखेज तरीके से $15,000 का गर्लफ्रेंड चैलेंज शतरंज खिताब जीता और इसके साथ कुलीन मेल्ट वाटर्स चैम्पियनशिप शतरंज टूर के लिए एक वाइल्ड कार्ड जीता। 15 वर्षीय मुकेश ने प्रज्ञानानंद के खिलाफ महत्वपूर्ण लड़ाई सहित सभी 4 राउंड जीते और अन्य खिताब दावेदारों से जुड़े खेलों के अनुकूल परिणामों की एक श्रृंखला के बाद शीर्ष पर उभरा। नेक्स्ट, उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT के सचिव डॉक्टर गुरुप्रसाद महापात्र का COVID-19 संबंधित जटिलताओं से निधन हो गया। वह 59 ईयर्स के थे। गुजरात कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी। उन्हें अगस्त 2019 में DPIIT में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। 21 जून जो है वो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है
और इसे योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है, जैसा कि दिन भी बहुत लंबा होता है, योग दिवस मनाया जाता है किसको, और ये जो योग है ये भी बहुत लंबी उम्र प्रदान करता है। पहली बार ये दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे 2021 घोषित किया गया। हर साल योग दिवस की थीम अलग तरह की रखी जाती है। इस साल यानी 21 जून 2021 में योग दिवस की थीम योगा फॉर वेल बीइंग रखी गई है। तो हर साल रखी जाती है अलग थीम, तो ये एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि योग फॉर वेल बीइंग ये अब की बार 21 जून 2021 को जो थीम है उस थीम का नाम है योगा फॉर वेल बीइंग। ये आपको याद रखना है, योगा फॉर वेल बीइंग जो है 2021 के योग दिवस की थीम है। इसका हिंदी में अगर अनुवाद देखें तो स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट, अमेज़न इंडिया ने छात्रों के लिए अप्लाइड मशीन लर्निंग ML कौशल सीखने के लिए एक एकीकृत शिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की, जिससे वे नई तकनीक में कैरियर के लिए उद्योग के लिए तैयार हो सकें। तो ये सारी चीज़ थी अमेज़न के बारे में। तो अमेज़न की बात करें, अमेज़न तो इसके जो CEO हैं वह हैं जेफ बेजोस, CEO इलेक्ट जो हुए हैं अब तो उनका नाम है एंडी जेसी। फाउंडर की बात की जाए तो फाउंडर भी कौन है, जेफ बेजोस। फाउंड कब हुआ अमेज़न, कब अपने अस्तित्व में आया, तो 5 जुलाई 1994 में। हेडक्वार्टर्स सीटल वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट, केंद्र द्वारा शुरू की गई इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम, तो केंद्र द्वारा शुरू की गई इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम IBPS ने देश भर के टियर सेकंड और टियर थर्ड शहरों में कई IT और BPO कंपनियों के विस्तार की सुविधा प्रदान की है। IBPS योजना के तहत आंध्र प्रदेश 12,234 नई नौकरियों का सृजन करके रोजगार सृजन में सबसे अधिक है। इसके बाद तमिलनाडु 9,401 है, जबकि शेष पंजाब, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार में फैला हुआ है। तो है क्या ये केंद्र सरकार द्वारा की गई इंडिया बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग प्रमोशन स्कीम है। अब हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के CM हैं MK स्टैलिन, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, सत्यमंगलम टाइगर जो है रिजर्व ये STR जिसे बोलते हैं ये तमिलनाडु में है, कालाकड मुंडन त्रियाई टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश। के बारे में बात की जाए तो जिनके CM हैं जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर हैं बिश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर टेंपल है, श्री ब्रह्मरम्मा मल्लिकार्जुना टेंपल भी आंध्र प्रदेश में है। तो CM जगन मोहन रेड्डी हैं। अब नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्ट है IAS अधिकारी सिद्धार्थ सिंह लोंजाम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के महानिदेशक के रूप में पदभार संभालेंगे। वह नवीन अग्रवाल की जगह लेंगे। कौन? IAS अधिकारी सिद्धार्थ सिंह लोंजाम। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, इसका फॉर्मेशन हुआ 24 नवंबर 2005 में। हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली इंडिया में है। किसके हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं हम? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी। नाडा का गठन संघ पंजीकरण अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
नाडा में भारतीय ओलंपिक संघ IOA के वैज्ञानिक और प्रतिनिधि शामिल हैं। नेक्स्ट, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 15 अप्रैल 2021 को घोषणा की कि सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में सप्ताहांत कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। 15 अप्रैल 2021 की बात हो रही है। रीसेंट न्यूज़ की बात की जाए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली ने घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल 2021 से अपने कार्बन फुटप्रिंट को 50% से अधिक कम करने वाला पहला केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित तकनीकी संस्थान बन गया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र को भारत की पहली फ्लोटिंग स्टोरेज एंड रिगेसिफिकेशन यूनिट मिली है। यह इकाई महाराष्ट्र के एच एनर्जी के जयगढ़ टर्मिनल रत्नागिरी जिले में पहुंची। नेशनल पार्क इन महाराष्ट्र, जैसे कि गुगुमल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है, तोडाबा अंधारी टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, कबीरा मोबिलिटी हॉर्मिस 75 हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर 13 अप्रैल को भारत में लॉन्च हुआ। तो ये कौन सा स्कूटर है? 75 की हाई स्पीड है उसकी और कमर्शियल डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इलेक्ट्रिक स्कूटर 13 अप्रैल को भारत में लॉन्च हुआ। नेक्स्ट, पांचवी बात, 14 अप्रैल 2021 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान इजराइल ने फाइसर इंक के CEO अल्बर्ट बोरला को सम्मानित किया। 14 अप्रैल 2021 को इजराइल का स्वतंत्रता दिवस है समारोह, और वहाँ पर उन्होंने फाइजर इंक के CEO अल्बर्ट बोरला को सम्मानित किया। नेक्स्ट, कृषि मंत्रालय ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 राज्यों के 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो कृषि मंत्रालय, उसने किसानों की आय बढ़ाने के लिए 6 राज्यों में 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट है उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? कृषि मंत्रालय ने और माइक्रोसॉफ्ट ने, दोनों ने मिल के ये काम किया है और कृषि मंत्रालय ने साइन की है माइक्रोसॉफ्ट के साथ। किस चीज़ के लिए? 100 गांवों में पायलट प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए। नेक्स्ट, भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच रणनीतिक ऊर्जा साझेदारी के तहत जल्द ही एक हाइड्रोजन टास्क फोर्स का शुभारंभ करेंगे। रीसेंट न्यूज़, इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस USIAI पहल शुरू की गई है। कहाँ पर भाई? इंडो US साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की US इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो इस मंत्रालय की जो है स्थापना हुई, फाउंडेड हुआ मई 1971 में। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जो मिनिस्टर हैं उसका नाम था हर्षवर्धन राठौर और अब बदल दिए गए हैं। नेक्स्ट, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ स्टेट YS चौधरी। तो आपको बताना है मिनिस्टर अब कौन बन गए हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आठवीं बात, स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिल गई है। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून लाने वाला न्यूजीलैंड देश पहला देश बन गया है। जलवायु परिवर्तन के लिए कानून बनाया है न्यूजीलैंड ने और वो सारे देशों में पहला देश बन गया है। रिसेंट न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे दक्षिण एशियाई देश से आने वाले
सकारात्मक कोरोना वायरस मामलों की उच्च संख्या के बाद न्यूजीलैंड ने अपने स्वयं के नागरिकों सहित सभी यात्रियों के लिए अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। नेक्स्ट, सोनू सूद को पंजाब सरकार ने कोविड टीका अभियान राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं। अपने कोविड 19 टीकाकरण कार्यक्रम के लिए उन्हें पंजाब सरकार का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। किन्हें? सोनू सूद को। अब पंजाब की बात करें तो पंजाब के सीएम हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह। गवर्नर की बात की जाए तो वीपी सिंह बैडनौर, ठीक है, रोपर वेटलैंड, हरी के वेटलैंड, नौगल वन्य जीव अभयारण्य, कोशोपुर मियाँ कम्युनिटी रिजर्व, ये सब पंजाब में हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। ई पंचायत पुरस्कार 2021 तो आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जीता है ई पंचायत पुरस्कार 2021। उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर, इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर हैं। ई पंचायत पुरस्कार 2021 उत्तर प्रदेश ने जीता है। अब हम थोड़ी रीसेंट न्यूज़ की बात करें। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया। यह पूर्वांचल में पहला और राज्य में तीसरा चिड़ियाघर है। तो ये है क्या, एक अशफाकुल्ला खां, शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी जो है उद्यान एक चिड़ियाघर है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य, दुधवा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, ये सब उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, काला चावल महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन या 12 फैक्ट, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने आयु समूहों में मानसिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक मोबाइल ऐप मानस लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये ऐप मानस, जो कि मानसिक स्वास्थ्य और सामान्य स्वास्थ्य प्रणाली के लिए एक व्यापक स्केलेबल और राष्ट्रीय डिजिटल भलाई मंच है। ठीक है, नेक्स्ट 13, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल, अब ये शिक्षा मंत्री बदल गए हैं, रमेश पोखरियाल नहीं रहे, सॉरी हैं जिंदा, लेकिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं अब बदल गए हैं। वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री अब कौन है। तो निशंक ने हाल ही में करा क्या था, उन्होंने वर्चुअल मोड के माध्यम से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के 34वें दीक्षांत समारोह का संबोधन किया था, जब वो केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे तब। हम शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो ये शिक्षा मंत्रालय 15 अगस्त 1947 में बना। शिक्षा मंत्रालय हेडक्वार्टर की बात की जाए तो शिक्षा मंत्रालय जो है वो उसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। तो भारत में 1947 से शिक्षा मंत्रालय था। ठीक है, 1947 से ही शिक्षा मंत्रालय था, जब देश आज़ाद हुआ था तब से ही। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया, MHRD में बदल दिया, और नरेंद्र मोदी सरकार मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई घोषणा की, संसाधन विकास का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया दोबारा से। ठीक है, तो पहले 1947 में शिक्षा मंत्रालय था, राजीव गांधी 1985 में उन्होंने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के मानव संसाधन विकास मंत्रालय रख दिया, और फिर उसके बाद 2020 में दोबारा फिर बदल के इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया। तो अब अगली बात करते हैं 14th, हाइटियन प्रधानमंत्री जोसेफ जोधे, ठीक है, हाइटियन प्रधानमंत्री जोसेफ जोथे ने घोषणा की कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है हाल ही में, क्योंकि देश हत्याओं और अपहरणों में एक स्पाइक का सामना कर रहा है, और इस साल के अंत में एक आगामी संवैधानिक जनमत संग्रह और आम चुनाव की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट 15, अमेरिका स्थित ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स GIP भारतीय हरित ऊर्जा मंच वेक्टर ग्रीन एनर्जी ने भारतीय पूंजी बाजार में एक हरे रंग के बंधन के माध्यम से 1237 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है।
ठीक है, भारत अमेरिका स्थित ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स GIP भारतीय हरित ऊर्जा मंच वेक्टर ग्रीन एनर्जी ने भारतीय पूंजी बाजार में एक हरे रंग के बंधन के नाम से 1237 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। नेक्स्ट 16, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ की 95वीं वार्षिक बैठक और कुलपतियों के राष्ट्रीय संगोष्ठी को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने किशोर मकवाना द्वारा लिखित बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अंबेडकर से संबंधित 4 पुस्तकों का शुभारंभ किया। 17वीं बात करते हैं हम, आयुष मंत्रालय की सार्वजनिक क्षेत्र की विनिर्माण इकाई इंडियन मेडिसिंस फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड IMPCL ने 2020-2021 में 164.33 करोड़ का कारोबार दर्ज किया है। ये कंपनी के इतिहास में सर्वोच्च है। अब आयुष मंत्रालय की बात हो रही है, आयुष मंत्रालय की सार्वजनिक क्षेत्र में विनिर्माण और इकाई इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका IMPCL बोलते हैं हम, ने 2020 और 2021 में 164.33 करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज किया है और ये कंपनी इतिहास की सबसे ऊपर सबसे सर्वोच्च कंपनी रही। तो अब बात करते हैं आयुष मंत्रालय की। आयुष मंत्रालय का जो हेड क्वार्टर है वो नई दिल्ली में है और ये फाउंडेड हुई 9 नवंबर 2014 इंडिया में, ठीक है, आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है 18वां फैक्ट, ठीक है, तो सिंगापुर 18वां फैक्ट, सिंगापुर ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP समझौते की पुष्टि की और बहुराष्ट्रीय व्यापार समझौते में ऐसा करने वाला पहला भाग लेने वाला देश बन गया, जो 100 आसियान अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया को एक साथ लाता है। कौन? सिंगापुर ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP समझौते की पुष्टि की और सिंगापुर ही एक साथ लेके आता है कितने सारे देशों को, साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया को। नेक्स्ट 19वीं बात करते हैं, मास्टर कार्ड और मुंबई मुख्यालय वाले निजी क्षेत्र के RBL बैंक ने मोबाइल आधारित ग्राहक अनुकूल भुगतान समाधान पे टू बैंक ऐप लॉन्च करने के लिए साझेदारी की घोषणा की। किसने? मास्टर कार्ड ने और मुंबई मुख्यालय ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है, मास्टर कार्ड ने और मुंबई मुख्यालय ने, ठीक है, मुख्यालय के निजी क्षेत्र के RBL बैंक ने मोबाइल आधारित ग्राहक अनुकूल भुगतान समाधान पे टू बैंक ऐप लॉन्च करने की घोषणा की करने की साझेदारी की घोषणा की है। तो यह एक तरह का भुगतान प्रणाली है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि ग्राहक की साख व्यापारी के सामने कभी नहीं आएगी। अब 20वें फैक्ट की बात करते हैं हम, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन ISM राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का दूसरा चरण इस साल सितंबर तक पूरा हो जाएगा, जिसमें भारत की कुल कम्युनिकेशनल क्षमता 16 पेटाफ्लॉप्स होगी, ठीक है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, ठीक है, उसके तहत दूसरा चरण चल रहा है और ये सितंबर तक पूरा हो जाएगा और जिसमें भारतीय की कुल कंप्यूटेशनल क्षमता जो है वो 16 पेटाफ्लॉप्स होगी। 2015 में शुरू की गई महत्वाकांक्षी 4500 करोड़ रुपए की परियोजना का नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग संयुक्त राष्ट्रीय रूप से कर रहे हैं। नेक्स्ट 21वां पॉइंट, सरकार ने रेमडेसिविर के उत्पादन आपूर्ति को बढ़ाने और कीमतों को कम करने का फैसला किया है। हाल ही में सरकार ने रेमडेसिविर के उत्पादन आपूर्ति को बढ़ाने और कीमतों को कम करने का फैसला किया है। इससे एक महीने में लगभग 80 लाख शीशियों के विनिर्माण की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी। 22वीं बात, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और स्वास्थ्य और
परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि अब बदल गए हैं वो आपको बताने अब हैं क्या, ने भारत में सभी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों के लिए पोषण के बारे में जागरूकता फैलाने और समर्पित करने के लिए समर्पित मिशन। तो समर्पित मिशन जो है सवाल बन जाएगा, समर्पित मिशन किसके द्वारा बनाया गया है, आहार क्रांति की शुरुआत की है, तो वो हैं कौन, हर्षवर्धन थे। ठीक है, तो नेक्स्ट फैक्ट की बात करें तो रीसेंट न्यूज़ देख लेते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जो पहले रह चुके हैं हाल ही में, वो अब नहीं है, अब वहाँ पर मंत्री नहीं है, कि नए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनजातीय स्वास्थ्य सहयोगात्मक अपनाया का शुभारंभ किया। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की बात की जाए तो फाउंडेड हुआ है 1976 में। हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो नई दिल्ली में है। मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हर्षवर्धन है। ठीक है, नेक्स्ट 23वीं बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर निगम ने खुद को BSC में सूचीबद्ध किया और BSC बोर्ड का उपयोग करके निजी प्लेसमेंट बेसिस पर नगर निगम बॉन्ड जारी करके सफलतापूर्वक 150 करोड़ रुपए जुटाए। यह देश में किसी भी नगर निगम द्वारा जारी किया गया पहला ग्रीन बोर्ड है। करा क्या है, उत्तर प्रदेश के जो गाजियाबाद नगर है उसने BSC में अपने आप को सूचीबद्ध किया और BSC बोर्ड का उपयोग करके निजी प्लेसमेंट बेसिस पर एक नगर निगम बॉन्ड जारी किया और 150 करोड़ रुपए का बॉन्ड वो जुटाया है उन्होंने, और ये देश में पहला ऐसा नगर निगम है जिसने ऐसा ग्रीन बॉन्ड जारी किया है। नेक्स्ट, तो जैसा कि हम बता चुके हैं हाल ही में रिसेंट न्यूज़ की बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाकुल्ला खां प्रणाली उद्यान का उद्घाटन किया। यह पूर्वांचल में पहला और राज्य में तीसरा चिड़ियाघर है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, ये सब उत्तर प्रदेश में हैं। तो जैसा कि हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो तमिलनाडु ने मुख्यमंत्री के लिए 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया। तमिलनाडु ने मुख्यमंत्री के लिए 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया जिसमें राज्य की आर्थिक और सामाजिक नीतियों के प्रबंधन में मुख्यमंत्री MK स्टालिन का मार्गदर्शन करने के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री एस्थर डुफ्लो और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन शामिल हैं। तो करा क्या है, तमिलनाडु ने मुख्यमंत्री के लिए 5 सदस्यीय आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। तो तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के जो CM है वो हैं MK स्टालिन, गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित और सत्यहा मंगलम टाइगर रिजर्व STR जो है वो तमिलनाडु में हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ने एक माई योग ऐप लॉन्च किया जिसमें दुनिया भर के लोगों के लिए विभिन्न भाषाओं में योग प्रशिक्षण वीडियो होंगे। ये हमारे एक विश्व एक स्वास्थ्य के आधार पर आदर्श वाक्य को प्राप्त करने में मदद करेगा। तो माई योग ऐप जो है वो प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट, थर्ड, शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग विज्ञान में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान NIOS डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू किया है। मंत्री ने पाठ्यक्रम की एक स्वयं शिक्षा सामग्री भी जारी की। फोर्थ, भारत ने 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI में 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किया जो दुनिया में प्रवाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। ठीक है, भारत ने 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के तहत 64 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त किए भारत ने 2020 में, जो दुनिया में सबसे प्रभाव का 5वां सबसे बड़ा प्राप्त करता है। ठीक है, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि वैश्विक FDI प्रवाह महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है
और वह 2020 में 35% गिरकर पिछले वर्ष के 1.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गए। पांचवी बात करें, राफेल नडाल स्पेन में एक लीजेंड हैं, राफेल नडाल, और खेल के राजा हैं रहे हैं। 13 बार एक फ्रेंच ओपन विजेता ने 3 जून को अपना 35वां जन्मदिन मनाया। तो 35 साल के हो गए हैं राफेल नडाल, स्पेन में एक लीजेंड हैं स्पेन के, और खेल के राजा हैं कहा जाए तो, और 13 बार फ्रेंच ओपन विजेता हैं। 3 जून को उन्होंने अपना 35वां जन्मदिन मनाया। रॉयल स्पेनिश टेनिस फेडरेशन ने उनके जन्मदिन को स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस के रूप में घोषित किया है। तो अब करा क्या है भाई, 3 जून को उन्होंने अपना 35वां जन्मदिन मनाया और रॉयल स्पेनिश टेनिस फेडरेशन जो है उसने उनके जन्मदिन पर ही स्पेन में राष्ट्रीय टेनिस दिवस को घोषित कर दिया कि अब 3 जून को स्पेन के अंदर राष्ट्रीय टेनिस दिवस मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि राफेल नडाल जो कि राजा हैं खेलों के, उन्होंने 13 बार फ्रेंच ओपन विजेता बने हैं और उनका जन्मदिन 3 जून पर आता है, इसलिए तो इसलिए 3 जून को उनका जन्मदिन भी आता है, इस वजह से वहाँ पर टेनिस दिवस, राष्ट्रीय टेनिस दिवस स्पेन में मनाया जाता है 3 जून को। नेक्स्ट, आर्कटिक एस्ट्रोनोटिक्स नामक एक फिनिश कंपनी इस साल के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने पर काम कर रही है। कौन? आर्कटिक एस्ट्रोनोटिक्स, ठीक है, आर्कटिक एस्ट्रोनोटिक्स नामक एक फिनिश कंपनी है और वो लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की लिए काम कर रही है। उपग्रह की बात की जाए तो उपग्रह वीजा फूड्स एक नैनो सैटेलाइट है जो एक घन के आकार का है और बर्च प्लाईवुड से बना है। इसमें सेंसर है जो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA द्वारा विकसित किए गए हैं। नेक्स्ट 7 पॉइंट, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य की मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, ठीक है, तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है राज्य की, है वो बिहार के राज्य की है, और वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या करा है देखिए, योजना के तहत सभी वर्गों के युवाओं और महिलाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के नाम से 2 महत्वाकांक्षी योजनाओं की शुरुआत की है। बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और गवर्नर फागू चौहान मंगला गौरी टेंपल बिहार में है, मिथिला शक्ति पीठ टेंपल बिहार में है, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में है। आठवीं बात करें तो ईरान के कट्टरपंथी मौलवी और न्यायपालिका के प्रमुख इब्राहिम राइसी ने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तो ईरान के कट्टरपंथी जो मौलवी हैं न्यायपालिका के प्रमुख इब्राहिम राइसी, उन्होंने चुनाव जीत लिया है और लगभग 90% मतदाताओं की गिनती के साथ राइसी ने 62% वोट जीते हैं। तो वोटिंग हुई 90% और 62% उनको वोट मिले। नेक्स्ट बात करते हैं, ईरान के बने वो इब्राहिम राइसी। नौवीं बात है, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने देश के ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में कोरोना टीकाकरण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और चल रहे टीकाकरण अभियान के बारे में अफवाहों और आशंकाओं को कुचलने और रोकने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जान है तो जहान है जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो जान है तो जहान है अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है? मुख्तार अब्बासी के द्वारा, ठीक है, मुख्तार अब्बास नकवी के द्वारा। नेक्स्ट 10वीं बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के डॉक्टर ताडोंग मीनू को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ AIBA की कोच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और जो दुनिया में मुक्केबाजी के लिए मूल निकाय हैं, ठीक है। इसके साथ ही मीनू देश की पहली महिला और AIBA में सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं। तो वो अरुणाचल प्रदेश की हैं डॉक्टर ताडोंग मीनू और वो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की कोच समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त की गई हैं और दुनिया
में मुक्केबाजी के लिए मूल निकाय हैं। ठीक है, इसके साथ ही मीनू देश की पहली महिला और AIBA में सदस्य के रूप में नियुक्त होने वाली दूसरी भारतीय बन गई हैं। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन की बात की जाए तो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का हेडक्वार्टर जो है वो है लाओसेने स्विट्जरलैंड और प्रेसिडेंट उमर क्रेमलियन। फाउंडेड 1946 में इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन 1946 में फाउंड हुआ। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं 11th केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को प्रतिष्ठित सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी CEU ओपन सोसाइटी पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति उनकी प्रतिबद्धता के सम्मान में पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो अब केरला की बात हो रही है, केरला में चेराई बीच है। केरला की बात हो रही है तो इंदुकी डैम ऑन पेरियार रिवर पर, और केरला की बात हो रही है तो केरला में पेम्बा रिवर भी मिलती है, और केरला के जो गवर्नर हैं वो आरिफ मोहम्मद खान हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस CSEP के प्रतिष्ठित फेलो मोंटेक सिंह अहलुवालिया को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड IMF द्वारा गठित COVID-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के सामने एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह HLAG के सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो इससे एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किन्हें नामित किया गया है, तो नामित किया गया है मोंटेक सिंह अहलूवालिया को। और ये किस लिए नामित किया गया है इनको, जो COVID-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दोहरे संकट के सामना करने के लिए जो भी राय बनती है उसके सदस्य के रूप में, जो एक उच्च स्तरीय सलाहकार है, उस स्तरीय सलाहकार के रूप में उन्हें नामित किया गया है मोंटेक सिंह अहलूवालिया को। और इससे पहले योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के प्रतिष्ठित फेलो थे। अब बात की जाए विश्व बैंक की, तो विश्व बैंक जो है वो 1944 में फाउंड हुआ। प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 13। तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों की सुरक्षा और यौन हिंसा से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। हाल ही में स्कूल शिक्षकों के खिलाफ दुर्व्यवहार के कई आरोप सामने आने के बाद यह पहल आई है। क्या ये तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों की सुरक्षा के लिए यौन हिंसा से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों के लिए एक दिशा निर्देश जारी किए हैं तमिलनाडु ने। अब तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु के CM हैं MK स्टालिन, गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित, सत्यमंगलन टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में है, कालक्कड़ मुंडथुरी टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है। बात करते हैं 14th, नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एडवांसमेंट CASE द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार बेंगलुरु भारत में सबसे अधिक रहने योग्य राजधानी शहर है, जिसके बाद चेन्नई और शिमला है। तो नई दिल्ली स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एडवांसमेंट द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार जो सबसे पहले नंबर पर जो देश है वो बेंगलुरु है, जो भारत में सबसे अधिक रहने योग्य राजधानी शहर है, जिसके बाद चेन्नई है और उसके बाद शिमला है। ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स में भुवनेश्वर ने जहां 59.85 अंक हासिल किए, वहीं बेंगलुरु, चेन्नई और शिमला को क्रमशः 66.7 फॉर बेंगलुरु, 62.61 फॉर चेन्नई एंड 60.90 फॉर शिमला अंक मिले।
मुंबई को 58.23 अंक मिले, जबकि दिल्ली को 57.56 अंक मिले हैं। तो सबसे पहले पर रहने वाली जो है वो है बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट कर्नाटक की बात करते हैं। तो कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के सीएम हैं बुकाना केरे, सिद्धालिंगप्पा, येदुरप्पा। ये सीएम हैं कर्नाटक के, बुकाना केरे, सिद्धालिंगप्पा, येदुरप्पा, और गवर्नर हैं वजू भाई वाला। फॉर्मेशन हुई कर्नाटक की 1 नवंबर 1956 में ये स्टेट बनी, और लैंग्वेज कन्नड़ा बोली जाती है। पोर्ट की बात करें तो न्यू मैंगलोर पोर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट 15, तेलंगाना सरकार के साथ आईसीएमआर राष्ट्रीय पोषण संस्थान पहली बार राज्य में बच्चों के बीच सीरो निगरानी सर्वेक्षण कर रहा है। जनगांव, कामारेड्डी और नलगोंडा जिलों में SARS कोविड टू के प्रसार के लिए समुदाय आधारित सिरो निगरानी के चौथे दौर में पहली बार 6 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों को कवर किया जाएगा। तेलंगाना की बात हो रही है तो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं कलवकुंतला चंद्रशेखर राव। तो सीएम हैं कलवकुंतला चंद्रशेखर राव तेलंगाना के, और तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदर राजन। तेलंगाना की पहली महिला राज्यपाल भी यही हैं, तमिलिसाई सुंदर राजन। और अमराबाद टाइगर रिज़र्व तेलंगाना में है, कबल टाइगर रिज़र्व भी तेलंगाना में है। तो हम बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स में पहली बात कर लेते हैं हम दोबारा से नहीं, आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं, कोई रिपीटेशन नहीं है यहाँ पर, हर एक चीज़ ओरिजिनल है और एक ही बार बोली गई है। तो आपको ये वीडियो एटलीस्ट कम से कम 2 बार देखनी है, ऐसा देखने से आपकी जो करंट अफेयर है उसमें आपका इंटरेस्ट जाग उठेगा और जो रीसेंट फैक्ट्स हुए हैं वो याद होना शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ जानकारी मिलना शुरू हो जाएगी और कुछ लगेगा कि कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगी कि करंट अफेयर में मैं कुछ तो थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड ने अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक उपासना कामिनेनी को फॉरेस्ट फ्रंट लाइन्स हीरोज़ के राजदूत के रूप में शामिल किया है। वर्ल्ड वाइड फंड ने किसको फॉरेस्ट फ्रंट लाइन हीरोज़ के राजदूत के रूप में किसको वो किया है बताइए, कामिनेनी को, ठीक है, शामिल किया है, जिसका उद्देश्य अस्पतालों और वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र में फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करना है। इसका फोकस देश भर के कई राज्यों पर होगा जो अधिकांश इको क्षेत्रों को कवर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, तो ये नेचर के लिए है वर्ल्ड वाइड फंड, तो इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। ये इसकी स्थापना हुई 29 अप्रैल 1961 में मॉर्गेस स्विट्जरलैंड के अंदर। तो डायरेक्टर जनरल हैं मार्को लैम्बर्टिनी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड फैक्ट की बात करते हैं, ब्रिटिश वकील करीम खान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के लिए एक मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ली जो इन देशों तक पहुंचने का वादा करता है जो अदालत के सदस्य नहीं हैं और उन देशों में मुकदमे चलाने की कोशिश करते हैं जहां अपराध होते हैं। 51 वर्षीय अंग्रेजी वकील खान को अभियोजक, अन्वेषक और बचाव पक्ष के वकील के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वकील का वर्षों का अनुभव है। तो यह है वकील करीम खान, ये अंतर्राष्ट्रीय वकील हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, यानी कि जो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे जो अपराध होते हैं उसका न्यायालय, फाउंड हुआ 1 जुलाई 2002 में रोम इटली के अंदर, और मेंबर स्टेट्स जो हैं वो 123 कंट्रीज इसमें मेंबर्स हैं। थर्ड फैक्ट, गुवाहाटी असम के बाहरी इलाके में एक रबर बोर्ड अनुसंधान फार्म अब दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित GM रबर प्लांट है जो पूर्वोत्तर में जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप है।
ये संयंत्र केरल स्थित भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान RRII में विकसित किया गया था। संयंत्र में जिन MnSOD मैगनीज Mn मीन्स मैगनीज युक्त सुपर ऑक्साइड डिस म्यूटेज की अतिरिक्त प्रतियां हैं। अब हम असम की बात करें तो असम की बात की जाए तो असम के CM हैं हिमांता बिस्वा शर्मा। असम बिहू फेस्टिवल असम में मनाया जाता है। गवर्नर जगदीश मुखी। नमेरी नेशनल पार्क असम में है। मानस नेशनल पार्क असम में है। दिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क भी असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क वो भी असम में है। तो जो असम की गुवाहाटी है उसके बाहरी इलाकों में एक रबर बोर्ड अनुसंधान फार्म अब दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित GM रबर प्लांट है। ठीक है, असम के बाहरी इलाके में जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी जो है एक सबसे बड़ा वहाँ पर रबर प्लांट आ गया है, बन गया है, जो पूर्वोत्तर में जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट बात करते हैं। साइबर पीस फाउंडेशन और व्हाट्सएप ने छात्रों के लिए अपने साइबर एथिक्स एंड ऑनलाइन सेफ्टी प्रोग्राम के दूसरे संस्करण को लॉन्च करने की घोषणा की है। कार्यक्रम और यूनिसेफ और राज्य पुलिस अधिकारियों के परामर्श से शुरू किया गया है। पहले चरण में कार्यक्रम ने 5 राज्यों दिल्ली मध्य प्रदेश बिहार झारखंड और महाराष्ट्र में छात्रों के बीच सुरक्षित ऑनलाइन व्यापार के बारे में जागरूकता पैदा की। इस बार कार्यक्रम को देश के 3 और राज्यों असम राजस्थान और गुजरात में विस्तारित किया जा रहा है। पांचवी बात करते हैं, महिलाओं के सुपर हैवी वेट प्लस 87 किलोग्राम वर्ग में न्यूजीलैंड का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाने के बाद न्यूजीलैंड लॉरेल हबर्ड ने ओलंपिक में जगह बनाने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट के रूप में इतिहास रच दिया। वह इससे पहले गोल्ड कोस्ट में 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स CWG में पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी थी, जहां उन्हें अपने इवेंट के दौरान करियर के लिए खतरा कोहनी में चोट लगी थी। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, ट्यूनीशिया की ओंस जबूर ने इतिहास रच दिया जब वह बर्मिंघम में ग्रास कोर्ट इवेंट के फाइनल में रूसी डारिया कसाटकीना को हराकर WTA खिताब जीतने वाली पहली अरब महिला बनी। उत्तर अफ्रीकी महिला टेनिस की अग्रणी जोबूर ने पिछले 2 फाइनल हारने के बाद अंत में खिताब जीतने के लिए 7-5, 6-4 से जीत दर्ज की। सातवीं बात करते हैं, उद्योग के अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि इंडोनेशिया ने पिछले साल खाद्य तेल के निर्यात पर भारी कर लगाने के बाद 2020-2021 में शीर्ष उपभोक्ता भारत के लिए सबसे बड़ा कच्चा पाम तेल CPO निर्यातक बनने के लिए इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया है। किसने पीछे छोड़ दिया है? इंडोनेशिया ने, रॉयटर्स ने। आठवीं बात करते हैं, फिल्म निर्माता लेखक ताहिरा कश्यप खुराना ने मातृत्व के बारे में अपनी आगामी पुस्तक की घोषणा की, जिसका शीर्षक द 7 सिंस ऑफ बीइंग अ मदर है। यह उनकी 5वीं किताब है और दूसरी उन्होंने महामारी के बीच लिखी है। पिछले साल फिल्म निर्माता ने बीइंग अ वूमेन के 12 कमांडमेंट्स जारी किए थे, जिसे उन्होंने कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के दौरान लिखना समाप्त कर दिया था। 9th, देश के लॉजिस्टिक और इंडस्ट्रियलियन स्पेस में अपनी उपस्थिति को मजबूत करते हुए इंडो स्पेस ग्रैड ए इंडस्ट्रियल रियल एस्टेट और लॉजिस्टिक पार्क के भारत के सबसे बड़े डेवलपर ने तमिलनाडु में 118 एकड़ के संयुक्त क्षेत्र के साथ 2 पार्क वल्लम और ओरगडम को जोड़ा है।
तमिलनाडु की बात कर रहे हैं तो तमिलनाडु के सीएम हैं एम के स्टैलिन, गवर्नर जो हैं वह हैं बनवारी लाल पुरोहित। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। कालाकड मुंडेतुरई टाइगर रिजर्व जो है वो भी तमिलनाडु में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।